आज का टॉपिक है हमारा CDH। CDH मींस होता है कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप। इसी का दूसरा नाम होता है DDH, डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप। इसमें क्या होता है, जो हमारा हिप जॉइंट होता है उस पर डिसलोकेशन देखने को मिलती है। और जो ये कंडीशन होती है, ये इंडिया में ज़्यादा कॉमन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे मदर जो होती है वो बच्चे को अपनी वेस्ट पे कैरी करती है, तो उसमें क्या होता है, वेस्ट पे कैरी करने से तो जो हिप है बच्चे का वो अबडक्टेड पोजीशन में चला जाता है, और वो हेल्प करता है अनस्टेबल हिप को रिड्यूस करने में। इस वजह से ये ज़्यादा कॉमन नहीं देखने को मिलती कि इंडिया का कल्चर ऐसा है। तो अब अगर हम इसके रिस्क फैक्टर की बात करें, तो इसके रिस्क फैक्टर को याद करने का एक निमोनिक्स होता है जिसको हम याद करते हैं 4-5 F से। तो ये क्या क्या होते हैं? सबसे पहले होता है फेयरली, मतलब जो वाइट पीपल्स होते हैं वे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं एज़ कम्पेयर टू एशियन पीपल्स। तो जो ये वेस्टर्न कंट्रीज होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है CDH की कंडीशन। सेकेंड होता है फर्स्ट बोर्न चाइल्ड में भी ज़्यादा देखने को मिलती है, और थर्ड होता है एक फीमेल चाइल्ड। ये जो फीमेल चाइल्ड होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है, और फोर्थ होता है फैमिली हिस्ट्री जिनकी प्रेजेंट हो उनमें भी देखने को मिलती है, और एक होता है फॉल्टी पोजीशनिंग ऑफ यूट्रस, या यूट्रस की फॉल्टिंग पोजीशनिंग हो या फिर फॉल्टी डिलीवरी हो। तो ये क्या होते हैं, ये रिस्क फैक्टर होते हैं CDH के, कि जो वाइट पीपल्स ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, फर्स्ट बोर्न चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड, फैमिली हिस्ट्री प्रेजेंट हो या फिर किसी को जो फॉल्टी पोजीशनिंग हो यूट्रस की या फॉल्टी डिलीवरी हो ब्रिक पोजीशन में हो। तो ये सब आते हैं इटियोलॉजी में। अब अगर हम इसकी पैथोलॉजी एनाटमी की बात करें, तो पैथो एनाटमी में क्या होगा, जो हमारा जो डिसलोकेटेड जॉइंट है उसमें क्या देखने को मिलेगा, जो फीमोरल हेड है वो अपवर्ड डिसलोकेटेड हो जाता है, अपवर्ड और लेटरली डिसलोकेटेड होगा। नॉर्मली अगर आपको पता हो तो जो फीमोरल हेड की पोजीशन है वो इन्फीरियर होती है, तो इसमें क्या होता है CDH में वो अपवर्ड और लेटरली डिसलोकेटेड हो जाता है। जो फीमोरल नेक है वो एक्सेसली एंटीवर्टेड हो जाती है, लिगामेंटम टीरिस होता है जो उसके अराउंड, उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, और क्या होता है जो कैप्सूल्स होता है हिप जॉइंट का वो भी स्ट्रेच हो जाता है, और जो हिप जॉइंट के अराउंड वहाँ पे मसल्स होती है मसल्स की भी शॉर्टनिंग हो जाती है। तो ये होते हैं पैथो एनाटमी, मतलब अगर किसी को CDH हो गया तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो अब अगर हम डायग्नोसिस की बात करें, तो जो इन्फेंट में क्या होता है तो एक्सरे की फाइंडिंग से ये पता नहीं चल पाता, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ओसिफिकेंस नहीं होती तब तक, तो लेटल स्टेज में तो एक्सरे भी कर सकते हैं। तो अगर इसकी क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, तो क्लिनिकल फीचर में मैंने बताया था जो फीमेल्स होती है वो ज़्यादा अफेक्टेड होती है, तो जो मेल और फीमेल का रेशो 1:5 होता है। और क्या देखने को मिलता है, जो ग्रोइन रीजन होता है बच्चे का वहाँ पे एसमेट्रिक देखने को मिलते हैं, हिप जॉइंट की जो मूवमेंट्स होती हैं वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं, और जो चाइल्ड होता है वो उस पिक कौन सा गेट देखने को मिलता है, पेक्यूलर गेट देखने को मिलता है। तो ये थे अभी तक क्लिनिकल फीचर्स। तो अब अगर हम इसके एग्जामिनेशन की बात करें, तो एग्जामिनेशन में मेन होते हैं दो टेस्ट, एक तो होता है बार्लोस टेस्ट, एक होता है ओटोलोनी टेस्ट। बार्लोस टेस्ट मीन्स क्या होता है, ये टेस्ट होता है ये चेक करने के लिए कि हिप डिसलोकेट है या नहीं है। और डिसलोकेट को कैसे चेक करते हैं, तो बार्लो मतलब क्या होता है, बाहर लाओ, तो मतलब जो हिप है उसको अडक्शन और पोस्टीरियर पुल करते हैं, पहले तो हिप पे अडक्शन करते हैं और फिर उसको पोस्टीरियर पुल करते हैं इसमें बार्लोस टेस्ट में। और सेकंड होता है ओटोलोनी टेस्ट। ओटोलोनी टेस्ट में क्या होता है, ये इसमें क्या करते हैं, मतलब वापिस लाना है कि मतलब जिस जो हिप है वो डिसलोकेट है, पहले से ही डिसलोकेट है, अब उसको वापिस लेके आना है। तो उसमें क्या करेंगे, हिप को पहले अबडक्शन करेंगे और एंटीरियर पुल करते हैं। तो बार्लोज में क्या था, बार्लोज में था हिप पे अडक्शन और पोस्टीरियर पुल, ओटोलोनी में होता है अबडक्शन एंड द एंटीरियर पुल करते हैं। तो अब क्या दिखते हैं, और बटक फोल्ड दिखेंगे अफेक्टेड साइड पे हाइयर,
तो एक क्या होता है, टेंडनबर्ग टेस्ट भी पॉजिटिव मिलता है कि जो अगर हम बच्चे को अफेक्टेड साइड पे खड़े होने के लिए कहेंगे तो जो उसका अपोजिट साइड का जो पेल्विस होता है वो ड्रॉप कर जाता है, तो उसी को कहते हैं टेंडनबर्ग टेस्ट पॉजिटिव देखने को मिलता है। बाइलेटरल डिसलोकेशन देखने को मिलेंगी तो उसको कहते हैं वेडलिंग गेट। एक क्या होता है, एक इसमें एक गैलेक्सी साइन देखने को मिलता है। गैलेक्सी साइन में क्या होता है, अगर हम बच्चे के हिप और नी को फ्लेक्स्ड करें तो अगर नी का लेवल देखे तो एक दूसरे के लेवल में एसिमेट्रिकल होता है, तो जो लेवल होता है तो इसमें यही होता है गैलेक्सी साइन में। अगर हम दोनों अगर हिप और नी को फ्लेक्स कर देते हैं और दोनों नी का लेवल चेक करते हैं तो उनमें एसिमेट्रिकल देखने को मिलती है, तो ये होता है गैलेक्सी साइन पॉजिटिव होता है। और जो लिम्ब होता है वो शॉर्ट और हो जाता है। तो ये थी एग्जामिनेशन में कि बार्लोज टेस्ट करेंगे, ऑटोनोमी टेस्ट गैलेक्सी साइन देखने को मिलता है, टेंडनबर्ग टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा और बटक फोल्ड मिलते हैं। अब करते हैं रेडियोलॉजिकल फीचर्स में। तो अब क्या करवाएंगे, बच्चे का एक्सरे करवाएंगे। तो एक्सरे में क्या मिलता है, पहले तो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर चाइल्ड 1 ईयर से एज का है, 1 ईयर से कम एज का है, तो जो होता है एक्सरे से उसकी डायग्नोसिस का पता नहीं चल पाता क्योंकि उसकी जो बोन्स है वो अच्छी तरह ओसीफाई नहीं हो पाती। तो उस केस में हम क्या करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन करते हैं। 1 ईयर के बाद एक्सरे करवा सकते हैं। तो एक्सरे में क्या क्या मिलेगा, जो हमारा हेड ऑफ फीमर है उसकी डिलेड अपियरेंस मिलती है, स्लोपिंग एसिटाबुलम मिलता है, और जो हमारी एक सेंटोन लाइन होती है उसमें ब्रेक मिलता है, और जो हमारा फीमोरल हेड है उसकी अभी बताया था मैंने एग्जामिनेशन में क्या मिलेगा, लेटरल और अपर डिस्प्लेसमेंट मिलती है। तो ये थी एक्सरे फाइंडिंग कि जो हमारे फीमोरल हेड है उसकी अपवर्ड और लेटरली डिस्प्लेसमेंट मिलेगी, एसिटाबुलम है वो स्लोपिंग मिलता है, और जो हेड ऑफ फीमर की डिलेड अपियरेंस मिलती है। तो अब तक हमने देखा इसके रिस्क फैक्टर, ट्रीटमेंट, क्लिनिकल फीचर्स, एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो इसके ट्रीटमेंट के दो पार्ट होते हैं, नॉन ऑपरेटिव एंड ऑपरेटिव। नॉन ऑपरेटिव में क्या आते हैं, पहले तो आता है मेथड ऑफ रिडक्शन। उसमें क्या क्या होता है, सबसे पहला होता है क्लोज मैनिपुलेशन करेंगे, जनरल एनिस्थीसिया देंगे। फिर सेकंड होता है ट्रैक्शन फॉलोड बाय द क्लोज एनिपुलेशन। जिन केसेस में क्लोज मैनिपुलेशन सक्सेसफुल नहीं होता तो वहाँ पे क्या करते हैं, हिप को ट्रैक्शन दे देते हैं और उसमें अबडक्टेड पोजिशन में रख देते हैं। फिर करते हैं ओपन रिडक्शन। ओपन रिडक्शन उन केस में करते हैं जिनमें क्लोज रिडक्शन फेल हो जाता है, तब उस केस में ओपन रिडक्शन करेंगे। उसमें पहले हिप को एक्सपोज करते हैं, देन जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उनको एक्सीज या रिलीज करते हैं ताकि जो हेड की पोजीशन है वो वापस से उसी पोजीशन में आ जाए। सेकंड होता है मेंटेनेंस ऑफ रिडक्शन। उसमें क्या करते हैं, एक प्लास्टर कास्ट देते हैं, स्प्लिंट देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, प्लास्टर कास्ट कौन सा देते हैं, फ्रॉग लेग और द मैक्लर कास्ट देते हैं CDH के बच्चों में, और स्प्लिंट देते हैं वोन रोजन स्प्लिंट देंगे, वोन रोजन स्प्लिंट एंड द फ्रॉग लेग और द बैचलर कास्ट देते हैं। ये था नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, क्लोज मैनिपुलेशन विद ट्रैक्शन एंड द ओपन रिडक्शन। अब आते हैं ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में। ऑपरेटिव में क्या देंगे, तो सबसे पहले एसिटाबुलम रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। उसमें क्या क्या आते हैं, एक तो आते हैं सेल्टर ऑस्टियोटमी करते हैं, मतलब जो इलियक बोन है उसकी ऑस्टियोटमी करेंगे। ऑस्टियोटमी मीन्स आपको पता है मीन्स कटिंग ऑफ बोन। तो फिर सेकंड होता है चेरी पेल्विक डिस्प्लेसमेंट ऑस्टियोटमी। उसमें क्या होता है, चेरी पेल्विक डिस्प्लेसमेंट ऑस्टियोटमी में जो लोअर फ्लैगमेंट्स होते हैं उनको मीडियली डिस्प्लेस्ड करते हैं। थर्ड होती है पेम्बर्टन पेरिकैप्सुलर ऑस्टियोटमी। इसमें क्या होता है, जो एसिटाबुलम की रूफ होती है उसको डायरेक्टेड डाउनवर्ड करते हैं हमारे फीमोरल हेड पे, ठीक है। तो ये होता है ऑपरेटिव मेथड। तो हम जो इसका ट्रीटमेंट प्लान है उसको पेशेंट की एज के बेस में 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। जैसे अगर बर्थ से लेके 6 मंथ तक में क्या देंगे, उसमें जो फीमोरल हेड है उसको रिड्यूस कर देते हैं एसिटाबुलम के अंदर बाय द क्लोज मैनिपुलेशन से, और जो उसको फिर प्लास्टर कास्ट और स्प्लिंट लगा देते हैं। ये था बर्थ से 6 मंथ के लिए।
और 6 मंथ से 6 ईयर का बच्चा है तो उसमें क्या देंगे, ओपन रिडक्शन करते हैं, एसेटबुलम रिकन्स्ट्रक्शन करेंगे या फिर साल्टर ओस्टियोटोमी करते हैं। अगर 6 to 10 ईयर का बच्चा है तो उसमें क्या करते हैं, उसमें इसमें तब जब तक कोई ट्रीटमेंट नहीं देते, जब तक जो चिल्ड्रन है उस पर बाइलेटरल डिसलोकेशन नहीं हो उस एज ग्रुप में। तो अगर यूनिलेटरल केसेस है तो ओपन रिडक्शन विद द रिकंस्ट्रक्शन करते हैं एसिटाबुलम का। अगर 11 ईयर से ज़्यादा का बच्चा है तो उसमें क्या करते हैं, जो इंडिकेशन होती है ट्रीटमेंट की वो क्या होती है, पेन होती है। तो उसमें क्या होता है, अगर केवल एक हिप अफेक्टेड है तो देंगे, और इसमें करते हैं लास्ट में हम टोटल हिप रिप्लेसमेंट कर देते हैं, या कई बार क्या करते हैं आर्थ्रोडोसिस करते हैं। तो इसका एक ये फ्लो चार्ट होता है इसको याद करने का, जैसे कोई भी CDH का बच्चा है वो बर्थ के टाइम पे ही आ जाता है तो बर्थ के टाइम पे हम क्लोज रिडक्शन करते हैं, अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो उसको क्या देंगे, कास्ट लगा देते हैं 3 मंथ के लिए और ब्रेस लगा देंगे। तो उसमें क्या होता है, एसिटाबुलम डेवलप्स हो जाता है, ब्रेस को हटा देंगे और फिर फिजियोथेरेपी करवाते हैं। अगर एसिटाबुलम डेवलप नहीं हुआ तो एसिटाबुलम रिकंस्ट्रक्शन करेंगे और फिजियोथेरेपी करते हैं। और अगर क्रोज जो ये रिडक्शन है ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ट्रैक्शन लगाते हैं, फिर क्रोज रिडक्शन करेंगे, वो सक्सेसफुल हो गया तो ये ट्रीटमेंट ए को फॉलो करेंगे, अगर नहीं सक्सेसफुल हुआ तो ये बी को करते हैं। बी में तब होता है अगर जो बच्चा है वो लेटर स्टेजेस में आ रहा है तो जो क्लोज रिडक्शन होता है वो पॉसिबल नहीं होता, उसमें ये करते हैं फिर क्लोज रिडक्शन, एसिटाबुलम रिकन्स्ट्रक्शन एंड द डरोटेशन, ये ओस्टोटोमी करते हैं। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।